हेलो स्टूडेंट, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12, यहाँ तक कि सेम यही चीज़ बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट, एमकॉम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में भी सेम यही टॉपिक होता है। तो जो स्टूडेंट पूरी वीडियो को देखेंगे, गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर से संबंधित जरूर पेपर में पूछा जाएगा। पूरी वीडियो को देखिए, आपके सामने लेसन 2 नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट से नोट्स बनवाया गया है हमारे द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी बनाते हैं लेकिन कोई बात नहीं, जो बनाया है प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके पहली वीडियो में जो बताया गया है हमारे द्वारा प्रबंध से आशय, प्रबंध की विशेषताएँ, प्रबंध के कार्य। तो आपको पता होना चाहिए दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। जो व्यक्ति कार्य को करवाता है उसको प्रबंधक कहा जाता है, याद रखना। विशेषता पूरा याद कर लेना, कार्य महत्व याद कर लेना। तो कहा गया है अर्थ व्यवसाय के बदलते स्वरूप और विस्तार के कारण प्रतिदिन अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। व्यवसाय का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, जिंदगी में हमारे हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यवसाय अथवा संगठन के इन समस्याओं के समापन के लिए, व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समझिएगा, व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगी, दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न होगी, तो व्यवसाय को कैसे चलाना है, व्यवसाय की समस्याओं का समापन कैसे करना है, उसके लिए सिद्धांत की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। अतः सिद्धांत एक सामान्य दिशा निर्देश है। सिद्धांत क्या है? दिशा निर्देश है सामान्य, जिसका उपयोग व्यवसाय के सफल संचालन में किया जाता है। किसके द्वारा? प्रबंधकों के द्वारा। मैंने लिखा है, पढ़ दिया, समझा दिया, लेकिन फिर से समझ लो। कोई भी व्यवसाय होगा, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनके सिद्धांत पर पूरा व्यवसाय चलाया जाता है। सिद्धांत का मतलब नियम कानून बनाया गया है, जिससे समस्या को दूर किया जा सके और व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। परिभाषा दी गई है आपके सामने, याद रखिएगा, एक एक परिभाषा दी गई है, ठीक है। कहा गया है परिभाषा में, प्रोफेसर जॉर्ज आर, आर होना चाहिए, स्टूडेंट ने गलत लिखा है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कहा गया है, सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। सिद्धांत क्या करता है? जैसे आप लोग जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री के 3 नियम होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके जो नियम है उसी के बेस पे एंट्री करते हैं। तो सिद्धांत ये जो है, ये उसी सिद्धांत के आधार पे व्यवसाय को हम लोग चलाते हैं। कहा गया है विशेषता में सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता यूनिवर्सल, सार्वभौमिकता मतलब प्रबंध का सिद्धांत कुल लागू होता है, सब पर लागू होता है, याद रखिएगा, सब पर लागू होता है। सामान्य दिशा निर्देश है, क्या है सिद्धांत, क्या है दिशा निर्देश है, नियम कानून है और कुछ नहीं है। देश कानून पर चलता है, प्रबंध भी कानून पर चलेगा। अभ्यास एवं प्रयोगों का निर्माण, मतलब कि सिद्धांत पर अभ्यास किया जाता है, उससे प्रयोग कहाँ किया जाने हैं उसको लागू किया जाता है। लोचशीलता, लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कहीं पर पूरा सिद्धांत लागू होता है, कहीं पर अधूरा लागू होता है, मतलब कि इसमें बदलाव होते रहते हैं, लोचशीलता का मतलब। अनिश्चित है, सिद्धांत जो है इसके बहुत सारे हैं, अनिश्चित हैं, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, महत्व, महत्व के बारे में कहा गया है, किसी व्यवसाय या संगठन में प्रबंध के सिद्धांत को निम्नलिखित महत्व हैं। पहला नंबर, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना। सिद्धांत के माध्यम से प्रबंधक मैनेजर जो होते हैं उनको उपयोगी ज्ञान प्रोवाइड कराया जाता है, उनको अच्छा ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद दिया गया है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। संसाधन का मतलब होता है भूमि, श्रम, पूंजी, समझ रहे हैं, भूमि, कोई भी संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी, मशीन, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो इन सारी चीज़ों को लगाया जाता है। तो अनुकूलतम का मतलब होता है आपके पास पैसा है
अनुकूलतम का मतलब होता है कम लागत में अधिकतम उत्पादन करना। प्रभावी प्रशासन, प्रभावी का मतलब जो नियम कानून है उनको लागू कराना। देखो देश जो होता है कानून से चलता है। सरकार का नियम क्या होता है? सरकार का नियम है जो सरकार का काम है, जो कानून बना हुआ है वो देश में प्रभावपूर्ण तरीके से लागू हो, लोग बात को माने, सरकार इसीलिए बनाई जाती है। इसीलिए प्रबंध का सिद्धांत बनाया गया है कि प्रबंध का सिद्धांत इसलिए बनाया गया है कि प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करो और लोग उसका पालन करें। जो दूसरे को गोली मार देते हैं इसका मतलब पालन नहीं हो रहा है। किसी का मर्डर हो जाता है तो इसका मतलब कानून का पालन नहीं हो रहा है। कहीं पर प्याज महंगी हो जा रही है, लोग स्टॉक बनाकर रख ले रहे हैं, 80 रुपये किलो प्याज बिकने लगी, इसका मतलब देश के द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं हो रहा है। दाल महंगी हो जा रही है, इसका मतलब कानून का पालन नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, ये सब राजनीतिक परिस्थितियों के लिए, सरकार के लिए होता है। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है संतुलन स्थापित करना। समझ रहे हैं? संतुलन का मतलब न मारकाट हो, न मारपीट हो, न गोली चले, ठीक है, अगर जिसके ऊपर चलती है उसको सजा सुनाई जाए। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है समाज में प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति प्रबंध के सिद्धांत के कारण होती है। वैज्ञानिक निर्णय, जो प्रबंध में निर्णय लिए जाते हैं वे वैज्ञानिक होने चाहिए। वैज्ञानिक का मतलब होता है विज्ञान में भूत प्रेत पिशाच का कोई स्थान नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो, अफवाह का कोई वो नहीं दिया गया है, भूत प्रेत और ओझा सोखा, समझ रहे हो ना, इन सब का विज्ञान में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। कहने का मतलब कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वैज्ञानिक तरीके से लिए जाएंगे। कैसे वैज्ञानिक तरीके से? नियम के अनुसार लिए जाएंगे। बदलते पर्यावरण की आवश्यकता की को पूरा करना पड़ेगा। पर्यावरण की बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं, वे प्रबंध के सिद्धांत द्वारा पूरा होंगे। और आपके सामने है प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत में सबसे पहले लिखना है प्रबंध विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभव एवं शोध कार्यों के आधार पर प्रबंध के सिद्धांत अलग अलग दिए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। पेपर में बहुविकल्पीय के तौर पर पूछा जाता है प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं, समझिएगा, प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, याद रखिएगा। सिद्धांत में क्या क्या है? कार्य का विभाजन, विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। प्रबंध के सिद्धांत में पहला सिद्धांत कहता है कार्यों का विभाजन कर दिया जाए। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, अलग अलग टीचर को बताया जाता है अलग अलग पीरियड लेना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है ना। कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, एक होता है लेबर का काम, एक होता है लेबर में भी कुशल लेबर अकुशल लेबर, दो लेबर होते हैं, कुशल लेबर अकुशल, कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक, कुशल का मतलब मिस्त्री, अकुशल का मतलब लेबर, लेबर का मतलब जे ईंटा मंगाओ ईंटा लेकर आएगा, गारा मंगाओ गारा लेकर के आएगा, रिंच फाटा मंगाओ वो लेकर आएगा ना। तो लोगों को कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या किया गया है? अधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग अलग लोगों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग श्रमिक को, अलग अलग कर्मचारी को, अलग अलग क्या दिया गया है? अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद कहता है अनुशासन। ये क्या है? प्रबंध के सिद्धांत पेपर में पूछ लेगा तो लिख नहीं पाओगे, याद रखना, लिखोगे तभी जब पढ़े लिखे रहोगे तब। पहला होता है कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन। आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो जो बात बोल दें उसको मान लो, अनुशासन, कह दे अगर कान पकड़ लो तो कान पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। अनुशासन जहाँ नहीं रहता वहाँ पढ़ाई नहीं होती, एकदम साफ बात है। जैसे आदेश के एकात्मकता, आदेश के एकात्मकता मतलब होता है आदेश देने वाला कोई एक व्यक्ति हो, पता लगा अगला व्यक्ति दूसरा कोई आदेश दे रहा है। प्रिंसिपल किसी स्कूल में क्यों बनाए जाते हैं? प्रिंसिपल की बात लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको आदेश देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आदेश की एकात्मकता मतलब क्या होता है? आदेश एक में एक रूपता हो, ठीक है। अगला है निर्देश, निर्देश में एक रूपता होनी चाहिए। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करना चाहिए, समर्पण मतलब त्याग। अगर हमारे कारण 10 लोगों की जान बच रही हो तो हमारी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे कारण बच्चे पढ़ ले रहे हैं तो अगर हमारा कोई कुछ छूट जा रहा है, कुछ हमें छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, कर्मचारी का मतलब कोई भी संस्था होती है वहाँ पर कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पारिश्रमिक मतलब वेतन, मजदूरी, कमीशन, ठीक है। पता लगा काम करवा लिए और पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या लड़कियाँ बच्चा क्या करेंगे? यह सिद्धांत। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण, जगह जगह पर केंद्रीयकरण की जरूरत पड़ती है, विकेंद्रीकरण की जरूरत पड़ती है। केंद्रीयकरण का मतलब होता है
कुछ ऐसे आदेश जो एक व्यक्ति के हाथ में सीमित होते हैं उसको केंद्रीयकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ताला चाबी हमारे पास रहेगा हमारे कमरा की, इसको क्या कहेंगे? केंद्रीयकरण कहेंगे। जैसे जहां तानाशाही चलती है जिन देशों में, वहां पर सत्ता का क्या होता है? केंद्रीयकरण होता है। तानाशाह जो कहेगा वही माना जाएगा, मंत्री जो कहेंगे वो ना माना जाए। समझ रहे हैं? सारा उद्घाटन करना हो तो मोदी ये करें, चाहे चपरासी को उद्घाटन करना हो, चाहे रेलवे स्टेशन का, चाहे मेट्रो स्टेशन का, चाहे हवाई जहाज का, वो मंत्री ना करे, देखा क्या बोलेंगे? केंद्रीयकरण। भाई सड़क का उद्घाटन करना होगा तो सड़क मंत्री करेगा कि प्रधानमंत्री करेगा? सड़क मंत्री करेगा तो इसको कहेंगे विकेंद्रीकरण। सही है नहीं? प्रधानमंत्री हर उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री कर दे तो उसको क्या कहेंगे? केंद्रीयकरण। सभी निर्णय अपने देश में सभी निर्णय प्रधानमंत्री नहीं ले सकता, कुछ निर्णय प्रधानों लेता है। देखो अपने यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है नियम के अनुसार। जैसे प्रधानी अलग चलती है, जिला पंचायती अलग चलती है, सभासदी अलग चलती है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष अलग चलती है, बीडीसी अलग चलती है। कितना चुनाव होता है अपने यहाँ? बहुत चुनाव होता है। इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। किसी भी देश को प्रधानमंत्री ही नहीं चला सकता। प्रधानमंत्री अपने स्तर पर सोचेगा, सांसद अपने स्तर पर सोचेगा, सांसद विधायकों होते हैं, प्रधानों होते हैं, बीडीसी होते हैं नहीं। इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सारा अधिकार अपने पास ले लो। विकेंद्रीकरण मतलब सब लोग को कुछ ना कुछ बांट दो। सोपान श्रृंखला, इसमें क्या कहा गया है? सोपान श्रृंखला स्केलर चैन का मतलब होता है, जो काम किया जाता है चैन बेस पे किया जाए, एक दूसरे से दुष्कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगला कहता है व्यवस्था का सिद्धांत। कोई भी कार्य होगा उसको व्यवस्थित ढंग से करना है। समता का सिद्धांत का मतलब सबके लिए एक नियम कानून है। ठीक है नहीं? सबके लिए एक नियम कानून है, अलग अलग नहीं है। अगला है कर्मचारियों के कार्यकाल स्थायित्व। कर्मचारियों को ये बताया जाए कि आप 5 साल 10 साल काम करेंगे हमारी संस्था में तभी आपके यहाँ टिकेंगे, नहीं वो अपना दूसरा जुआ ढूंढते रहेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा। पहल करने की क्षमता का सिद्धांत। पहल की जाती है, आगे कदम बढ़ाया जाता है, लोगों को प्रेरित किया जाता है। सहयोग की भावना का सिद्धांत, समझ रहे हो? सहयोग की भावना का सिद्धांत रहता है इसमें। अब इसमें देखो क्या कहा गया, एक एक चीज़ को बांटा गया है जो मैंने बोला समझाया। इसमें कहा गया है कार्य विभाजन। पहला सिद्धांत क्या है? कार्य विभाजन। कार्य विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल का कहना था कि संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति को इसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए, न कि एक ही व्यक्ति को कार्य का संपूर्ण भाग सौंपना चाहिए। कार्य विभाजन का यह सिद्धांत तकनीकी एवं प्रबंधकीय दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, हम कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं तो हमको कॉमर्स वाला दिया जाए, अकाउंटे वाला, अगले को बिजनेस वाला दिया जाए, अगले को इकोनॉमिक्स वाला दिया जाए ना, समझिएगा। इसको कहते हैं कार्य विभाजन। योग्यता को ध्यान में रखते हुए, रुचि को ध्यान में रखते हुए कार्य को दिया जाना जरूरी है। अगला है कार्य विभाजन का सकारात्मक प्रभाव। कार्य विभाजन के सकारात्मक प्रभाव में कहा गया है इस सिद्धांत के विशिष्ट विशिष्टीकरण लाभ होते हैं। इसकी कर्मचारियों में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जैसे यह सिद्धांत जहां लागू होगा वहां पर स्पेशलिस्ट बन जाता है आदमी। वहां पर क्या बन जाता है? स्पेशलिस्ट बन जाता है उस चीज के लिए, और इसके कारण संगठन को लाभ होता है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है नकारात्मक प्रभाव। इस सिद्धांत के पालन ना होने से विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। अगर यह सिद्धांत नहीं लागू हुआ तो स्पेशलिस्ट नहीं बन पाओगे। जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, राजगीर होता है, अगर वह सिर्फ घर बनाने का काम करता है तो वह स्पेशलिस्ट हो जाएगा, अगर वह पेंटिंग वाला भी काम करेगा तो स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा, दो काम में एक में ही हो जाएगा। कर्मचारियों के कार्यकुशलता में कमी होगी अगर यह सिद्धांत नहीं लागू होगा तो, वो अपने काम करेगा दूसरा काम नहीं छुएगा। अगला क्या कहता है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व। यह सिद्धांत आदेश देने एवं लोगों को से आदेश का पालन करवाने की शक्ति से संबंध रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार उत्तरदायित्व के अनुसरण होने चाहिए ताकि कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जा सके और कार्य की अवहेलना करने वाले को दंडित किया जा सके। समझिएगा, अधिकार दिया जाना चाहिए अगले आदमी को, वह काम अगर अच्छा कर दे उसको पुरस्कार दिया जाए, अगर वह काम गंदा करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। उत्तरदायित्व एवं अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव में ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह सिद्धांत समय पर उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और यह सिद्धांत समय पर उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह सिद्धांत कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि प्रदान करता है।
ठीक है। नकारात्मक क्या होता है? आवश्यकता से अधिक अधिकार दिए जाने पर लोग उसका क्या करते हैं? दुरुपयोग करते रहते हैं, ठीक है। आवश्यकता से कम अधिकार दिए जाने पर उद्देश्य की प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो क्या कहने का मतलब, अधिकार कितने दिए जाने चाहिए? एवरेज में दिए जाने चाहिए। अगला है अनुशासन। यह सिद्धांत याद रखना, पेपर में आता है तो लोग भूल जाते हैं सिद्धांत क्या होता है। अनुशासन, इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे नेतृत्व प्रबंध और श्रमिकों के बीच स्पष्ट समझौता तथा दंड विधान के न्यायपूर्ण प्रयोग एक ही संस्था के अनुशासन का कायम रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अनुशासन का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे नेतृत्व का मतलब नेता, प्रबंध और श्रमिकों के बीच अस्पष्ट समझौता हो जाता है। प्रबंध श्रमिक का मतलब होता है जो काम करने जाता है। आप हमारे यहाँ पढ़ने आए, हमने फीस बता दिया है आपको, इससे क्या होता है? अनुशासन बना रहता है, बाद में दिक्कत नहीं होती। सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? ख्याति में वृद्धि होती है। संगठन में सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यह श्रम प्रबंध संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करता है। आगे नकारात्मक में, इसकी अवहेलना करने पर ख्याति में कमी आती है। ख्याति किसे कहते हैं? व्यापार में सामान्य लाभ की अपेक्षा जिसके नाम हो मार्केट में, उसको ख्याति कहते हैं। इसके अभाव में कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आती है। संस्था में अव्यवस्था वातावरण होता है, ठीक है। आदेश की एकात्मकता, मैंने शुरू में बताया था, एकात्मकता का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। अगर दो अधिकारी हैं किसी संस्था में तो तुम अलग अधिकार काम करने के लिए कहोगे, हम अलग कहेंगे, तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है ना, फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती। अधीनस्थ किसे कहते हैं? जैसे कोई कर्मचारी है ना, उसके जो नीचे काम करता है उसको अधीनस्थ कहते हैं। अगर दो कर्मचारियों के नीचे, समझिए, दो मैनेजर के नीचे एक अधीनस्थ होगा तो कुछ अगला मैनेजर कुछ और कहेगा, अगला कुछ और कहेगा ना, दिक्कत आएगी। तो अगर एक ही रहेगा तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उत्तरदायित्व निर्धारण करने में सुविधा होती है, सौहार्दपूर्ण जन्म होता है। अगला क्या है? अधीनस्थों की कार्यकुशलता में कमी होती है अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब उत्तरदायित्व वातावरण में कठिनाई होती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी होती है, अव्यवस्था का बोलबाला होता है। निर्देश की एकात्मकता का मतलब होता है व्यक्तियों को, समूह को, जिसका उद्देश्य एक समान हो, एक ही मस्तिष्क से एक ही योजना का निर्माण करना है। मतलब एक ही व्यक्ति योजना का निर्माण करे। जैसे तुम्हारे घर में न्यूटा पड़ा हो, तुम कहोगे पनीर बनेगी, तुम्हारे घर वाले कहेंगे दूसरा कुछ बनेगा ना, गोभी की सब्जी बनेगी, उसमें क्या हो जाएगा? हलवाई कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसमें लफड़ा हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी है सकारात्मक। विशिष्टीकरण, लाभ प्राप्त होते हैं। संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है क्योंकि सभी कर्मचारियों के उद्देश्य एक होते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, विशिष्टीकरण लाभ नहीं, इसमें क्या होता है नकारात्मक में, विशिष्टीकरण के लाभ नहीं होंगे, संगठन के कार्यकुशलता में कमी होती है, उद्देश्य में कठिनाई होती है। आदेश की एकात्मकता एवं निर्देश की एकात्मकता में अंतर आपको पढ़ लेना है। कहा गया है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। मतलब जैसे होता है ना, अगर हमारे कारण आपका फायदा हो रहा है तो हमको समर्पण कर देना चाहिए, चार अक्षर ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, यही थे। यह सिद्धांत बड़े उपक्रमों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक संघर्षों को रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सामूहिक हितों की रक्षा के लिए, चाहे इसके लिए व्यक्तिगत हितों की बलि क्यों ना हो, उसको क्या छोड़ देना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? संस्था को लाभ होने से सभी पक्षों को लाभ होता है। जैसे होता है ना, कंपनी है, कंपनी में लोग हड़ताल करने लगते हैं। हड़ताल क्यों करते हैं? जब उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो पेमेंट का मिलता है, कुछ ना कुछ बढ़ाना होता है, जिससे दोनों का फायदा हो जाता है, नहीं पता लगा दोनों घाटा हो जाएगा। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाएगी, व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों का समन्वय बना रहेगा। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी अगर किसी कर्मचारी की बात नहीं मानोगे। व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच तनाव हमेशा रहेगा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, आपको पता होना चाहिए कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर आप हम कहीं पढ़ा रहे हैं या आप कहीं नौकरी करने जाएंगे, अच्छा पारिश्रमिक आदमी को नहीं मिलेगा तो आदमी चोरी करेगा, काम चोरी करेगा, जिसे हम करते हैं ना, सीधी सी बात है, काम चोरी करेगा अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसे हम क्यों करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, बच्चे कहते हैं गुरुजी आज रहने दो लिखाने के लिए, गुरुजी क्या करें, गुरुजी नहीं लिखाएंगे, हमको क्या करना है, ठीक है नहीं। तो जैसे पैसा वैसे काम, और जैसे लड़कियाँ, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, कर्मचारियों की निष्ठा में वृद्धि होगी, श्रम परिवर्तन की निष्ठा दर में कमी होगी। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का पूर्ण रूप से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जहाँ तानाशाही चलती है वहाँ सारा अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होता है। वही कहेगा बम छोड़ दो तो बम छोड़ दो, वही जो निर्णय लेगा वही माना जाएगा। इसीलिए भारत में कोई बिल लोकसभा में अगर पास होता है तो उसको रोकने का अधिकार है, विपक्ष को भी है कि आप राज्यसभा में विरोध कर दीजिए, कोई भी
राजनीतिक परिस्थितियों में देखिए तो बात की बात है, सत्ताधारी पक्ष कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके करवा लेता है। इसीलिए दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा का, एक होता है विधान परिषद का। दोनों सदनों में बिल पारित होना चाहिए। यहाँ बिल नहीं पारित करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर कहने का मतलब होता है सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, सोपान श्रृंखला ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में आपको पेपर में बहुत मिलेगा। कहा गया है सोपान श्रृंखला में अधिकार उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारियों तक आदेश को एक सीधी रेखा में चलता है। फियोल के अनुसार इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर और एक क्रम में चलता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसे तोड़ा भी जा सकता है। फियोल इसे पुल या गैंग ब्लैंक का नाम दिया है इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऊपर ठीक से नहीं बता पाए थे, लेकिन नीचे देखो इसका मतलब होता है अधिकारी उच्च अधिकारी निम्नतम अधिकारी को आदेश देगा, उच्चतम अधिकारी निम्नतम अधिकारी को आदेश देगा। कभी कभी ये होता है कि उसको तोड़ा भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है, संगठन में कोई संप्रेषण अंतराल नहीं रहता, सूचनाओं को का व्यवस्थित प्रवाह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोपान श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है नकारात्मक प्रभाव, सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रभाव पड़ता है, नज़दीकी अधिकारियों को अनदेखा करने से संबंधों में बहुत कटुता आती है। और आगे कहा गया है सूचनाओं का समय पर ना लिखे मिलने से समस्याओं में वृद्धि होती है। व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है? ऐसा सिद्धांत जिसमें संख्या संस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को न्यायोचित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। ठीक है, समता का सिद्धांत मतलब सबके लिए कानून बराबर है, न्याय बराबर है, इसको बताया गया है। अगला कहता है अस्थायित्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यक्षमता में अस्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से संबंधित बहुत पूछा जाता है पेपर में। आपको मैं बता दूं, वैज्ञानिक प्रबंध, सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा समझिए। इसका जन्मदाता, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ डब्ल्यू टेलर, पेपर में पूछ लेगा वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं बहुविकल्पी में, तो हेनरी फियोल दे देगा, एडम स्मिथ दे देगा, एफ डब्ल्यू टेलर दे देगा, एकात और कोई नाम दे दिया जाएगा। तो याद रखना वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन हैं? एफ डब्ल्यू टेलर, और आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फियोल। दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, या तो आधुनिक पूछेगा या तो आपसे पूछेगा वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से क्या बताया गया है, इन्होंने पाया कि श्रमिकों को जितना कार्य करना चाहिए वह उतना कार्य नहीं करते हैं। एफ डब्ल्यू ने टेलर ने बताया श्रमिक, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 8 घंटे के लिए कोई काम करने आता है, तो 8 घंटा वह काम नहीं करता, या हमारे यहाँ कोई 8 घंटे काम करने के लिए आता है तो वो काम नहीं करता, या हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे के लिए टाइम होता है लेकिन हम 1 घंटा नहीं पढ़ाते हैं। बात सत्य है, श्रमिकों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, क्या किया कि श्रमिक जितना घंटा कार्य करने चाहिए, 8 घंटा करना चाहिए तो 8 घंटा नहीं करते, 12 घंटा चलना चाहिए तो 12 घंटा नहीं करते। इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने अनेक सुझाव दिए जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया गया। पेपर में पूछेगा तो क्या लिखोगे वैज्ञानिक प्रबंध? श्रमिक जितने घंटे काम करने के लिए श्रमिक को चाहिए वह उतना घंटा काम नहीं करते, इस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने उपाय सोचा, उसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया ना। किसने सोचा? टेलर ने सोचा, एफ डब्ल्यू टेलर ने। परिभाषा इनकी है, देखो, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिक को से क्या कराना चाहते हैं और यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम या मितव्ययपूर्ण तरीके से करें।
मतलब कि इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन में बताया गया है कि आप श्रमिक से क्या कराना चाहते हैं, और इसमें यह देखा जाता है कि वह सर्वोत्तम या मितव्ययपूर्ण ढंग से किया है कि नहीं किया है ना, उसे करना तो भी चाहिए। उसके बाद आगे देखिए विशेषता क्या है। विशेषता में आपको ध्यान देना है, विशेषता में आपको ध्यान देना है कार्य का नियोजन, समझिएगा। इसकी विशेषता होती है इसके अंतर्गत कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए ना, कल किए जाने वाले कार्य को आज ही योजना पहले से कर लेनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता यह बताई गई है कार्य का नियोजन करना। कार्य का नियोजन मतलब प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब होता है इसके अंतर्गत आपको जो काम करना है उसको योजनाबद्ध तरीके से करना है। आपको पढ़ाई करना है तो योजनाबद्ध तरीके से करना है, कल आपको क्या पढ़ाई करनी है या हमें क्या पढ़ाना है उसके बारे में आज ही सोच लेना चाहिए। उद्देश्य सामूहिक प्रयास, कहा गया है वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी कार्य को लक्ष्य मानकर करना चाहिए। कोई कार्य आपका हो उसको लक्ष्य मानकर करना चाहिए, जब तक आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वह काम सफल नहीं माना जाएगा। कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। एक मजदूर को क्या करना, कब करना और कैसे करना है यह वैज्ञानिक सिद्धांत है। कोई मजदूर है उसे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, समझिएगा। इसमें सब कुछ मजदूर पर ही कहा गया है। मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा किसी कार्य को न्यूनतम व्यय पर कराया जा सकता है जिससे अधिकतम उत्पादन हो। याद रखिएगा इसकी मेन चीज, आपको न्यूनतम लागत पर श्रमिक को द्वारा किसी न्यूनतम व्यय पर यानी कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, इस चीज को आपको ध्यान देना है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। आगे कहा गया है उत्तरदायित्वों की सीमा। प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध में सभी कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व तय कर लिए जाते हैं। सभी कर्मचारी का मतलब अगले कर्मचारी को क्या करना है, अगले को क्या करना है, उसका उत्तरदायित्व भैया तुमको करना पड़ेगा, तुम जानो। आगे क्या कहा गया है कार्य क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों के कार्य के समय का अध्ययन, गति का अध्ययन, थकान का अध्ययन, कार्य के बीच मिलने वाले आराम का अध्ययन आदि, इस पर अध्ययन पूरा बढ़िया किया जाए। किस पर, कितना समय काम करते हैं, उनके काम करने की गति मतलब स्पीड कितनी है, थकान करने का अध्ययन, थकावट लगेगी कि नहीं लगेगी, कार्य के बीच में मिलने वाले समय आराम ना, इस पर अध्ययन करना चाहिए जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। सब चीज़ पर अध्ययन करना चाहिए काम से संबंधित। अगला कहा गया है वैज्ञानिक प्रबंध में कहा गया है कि सहयोग की भावना होनी चाहिए, श्रमिकों को सहयोग एवं उन पर विकास भी करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत आपसे पूछ सकता है पेपर में, आप समझिएगा वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में एक एक चीज। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया, इसको आप जानते हैं। मुख्यतः चार सिद्धांत हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का, कितने हैं, चार। पेपर में पूछ सकता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो याद रखना चार। बहुत सारी चीज़ें बहुविकल्पी यहाँ मिलेंगी आपको। विज्ञान ना कि रूढ़वादिता, कहा गया है यह सिद्धांत इस पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम करने की पुरानी पद्धति को नहीं अपनाना है। लकीर का फकीर का मतलब ऐसे लकीर बना दी जाए उसी पर काम नहीं करना है, बल्कि हम हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। लकीर का फकीर का मतलब एक पुराने ढर्रे पर काम नहीं करना है, आपको एक नए ढर्रे पर काम करना है, नई योजना पर काम करना है जिससे काम को आसानी से किया जा सके, सरलतम तरीके से किया जा सके, समझिएगा। आगे इन्होंने ये भी बताया है समन्वय ना कि मतभेद। टेलर ने इस बात पर जोर दिया है कि सामूहिक क्रियाओं में संघर्ष, मतभेद के
आधार पर आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि किसी से कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, नहीं तो अगला आदमी परेशान है, अब आप समन्वय स्थापित करने में लगे हैं। दोनों पक्ष संतुष्ट होने चाहिए। और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वफादारी एवं अनुशासन के साथ ही काम करना चाहिए। वफादारी के साथ चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अनुशासन में रहते हुए काम करना चाहिए। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। वैज्ञानिक प्रबंध व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए। इसे आपसी विश्वास, सहयोग एवं साख के पर आधारित होना चाहिए, जिससे भागीदारी बढ़े और भागीदारी से जिम्मेदारी बढ़ती है। समझिएगा, सहयोग करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का सहयोग ना मत करिए, किसी एक व्यक्ति का पक्ष मत लीजिए, सबका सहयोग करना चाहिए, जिसकी सबकी भागीदारी बढ़े। इन्होंने कहा है सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। इन्होंने कहा है कि आप अधिकतम उत्पादन पर अधिक बल देना चाहिए। यह सीमित उत्पादन की विचारधारा का विरोधी है, क्योंकि कितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक संस्था का लाभ होगा। तो कितने सिद्धांत हैं? चार। सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, समन्वय ना कि मतभेद, विज्ञान ना कि रूढ़वादिता। इसका मतलब वैज्ञानिक आधार पर करना चाहिए, पुरानी पद्धति को छोड़ देना चाहिए। अगला, समन्वय ना कि मतभेद। अधिकारियों के मध्य, कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित रहे, कोई किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सबका सहयोग करना चाहिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों में कहा गया है क्रियात्मक फॉर मैसिव। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्रियात्मक फॉर मैनशिप एक तकनीक है जिसके अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। इसके मुख्य रूप दो भाग है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो काम है उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके दो भाग हैं। पहला है नियोजन, विभाग के अधिकारी के कार्य। समझिएगा, नियोजन विभाग के अधिकारी के कार्य, कार्य मार्ग लिपिक और संकेतांक कार्य लिपिक। उसके बाद समय एवं लागत लिपिक, अनुशासन लिपिक। अगला है उत्पादन विभाग के अधिकारी के कार्य। कहा गया है टोली नामक, मतलब टोली बना दी जाए छोटी छोटी, स्पीड की सीमा बना दी जाए, मरम्मत नायक, मरम्मत करने के लिए कोई और होगा, निरीक्षण करने के लिए कोई और होगा। कार्य का प्रमापीकरण, कार्य का प्रमापीकरण मतलब जो भी काम हो उनको एक प्रमाप में, एक स्टैंडर्ड में ढाला जाना चाहिए। कहता है प्रमापीकरण से आशय पूर्ण सोच विचार करके विभिन्न घटक जैसे माल, मशीन, औजार, विधि एवं कार्य की दशा तय होनी चाहिए। याद रखना, मतलब एक निश्चित प्रमाप होना चाहिए, निश्चित नाप होनी चाहिए कार्य करने के लिए। अगला है कार्य का सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होता है, सरलीकरण से तात्पर्य है कि व्यर्थ की अनेक किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त कर उनके स्थान पर नई किस्में तैयार की जाएं, ताकि प्रबंधक के कार्यों का सरलीकरण किया जा सके। ठीक है, जो खराब किस्में हैं उनको हटा दिया जाए, नया लिया लाया जाए। अगला है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत एक संस्था संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों का गहन अध्ययन करने से है। इसके लिए टेलर के नियम निम्न हैं। समझिएगा, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन कहा गया है, कार्य विधि अध्ययन, कार्य करने की कोई विधि होनी चाहिए, गति का अध्ययन करना, किस गति से काम हो रहा है, समय का अध्ययन करना चाहिए, थकान का अध्ययन आपके लिए बहुत जरूरी है वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत।
अब इसमें है कार्यविधि एवं गति अध्ययन में अंतर। कार्यविधि अध्ययन में कहा गया, इसके अंतर्गत कार्यों को करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करके सर्वोत्तम विधि की पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम, उत्पादन लागतों को कम किया जाता है। समझ रहे हैं, कार्यविधि में इसके अंतर्गत कार्य को करने की विभिन्न तकनीकों पर अध्ययन किया जाता है, विधियों पर अध्ययन किया जाता है। सर्वोत्तम विधि की पहचान की जाती है। सर्वोत्तम उपयोग करके जो संसाधन है, मानवीय संसाधन, मानवीय का मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और लागत को कम किया जाता है। गति अध्ययन का मतलब होता है इसके अंतर्गत कार्यों की दौरान की जाने वाली विभिन्न हरकतों का अध्ययन, अनावश्यक हरकतों को समाप्त किया जाता है, इसका उपयोग करते समय कार्य किया जाता है। अगला है समय का अध्ययन, समझिएगा। समय अध्ययन के तात्पर्य है कि यह निश्चित किया जाता है किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगना चाहिए, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, बाद में इसका विश्लेषण किया जाता है। थकान का अध्ययन का मतलब होता है किसी श्रमिक को थकान कब और कैसे होती है, इससे संबंधित जो भी समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको आगे बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिजनेस स्टडी यानी कि व्यावसायिक अध्ययन में आपको बताएंगे प्रबंध का महत्व। मैं गारंटी देता हूं कि पेपर में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रबंध के महत्व के बारे में। पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो हमारे मोबाइल नंबर 97 92 46 56 32 पर संपर्क करिए। तो आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर प्रबंध का महत्व। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए प्रबंध किसे कहते हैं। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला को, कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। जो व्यक्ति कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहा जाता है ना। तो याद रखना प्रबंध का महत्व। आपके सामने पूरा डिटेल नोट्स बढ़िया बनवाया है मैंने, स्टूडेंट ने इसको लिखा है हैंड राइटिंग में, आप समझ सकते हैं। तो आप समझिएगा प्रबंध के महत्व में, संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के में सहायक होता है। ध्यान दीजिए प्रबंध का महत्व क्या होता है। कोई भी संस्था है, जिसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं हमारी संस्था है, आप किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे वो संस्था है, आप किसी बैंक में जाते हैं वो संस्था है, कुल प्रबंधक रहता है ना। तो प्रबंधक क्या करता है, संस्था के पहले से निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। पहले से निर्धारित उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय को आगे बढ़ाना, अधिकतम लोगों तक पहुंचना, कम लागत पर अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लोगों को सेवा प्रदान करना, यही तो होता है व्यवसाय का उद्देश्य। समझिए प्रबंध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। अब आप समझिएगा प्रबंध संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय होगा वहाँ पर श्रमिक होंगे ना, पूंजी होगा, श्रम होगा, पूंजी श्रम मटेरियल होगा, मानवीय श्रम होगा, मानव होगा, तो उसको अनुकूलतम प्रयोग करिए यानी कि कम प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन करिए। ठीक है नहीं। उसके बाद यह समाज के, ध्यान दीजिएगा आगे है, यह समाज में विकास, समाज को विकास कौन देता है, प्रबंधक देता है। प्रबंधक का मतलब जो लोगों को मैनेज करता है, जैसे आपके परिवार में आपके घर वाले मैनेज करते हैं ना, आपके रिश्तेदार में लोग मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ताकि कहीं पर कोई विवाद ना हो, अगर विवाद हो तो उसको सुलझाया जाए, समाज के विकास में होता है। यह प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन से। कोई भी व्यवसाय होगा, चाहे कोचिंग पढ़ाने का व्यवसाय हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे फाइव स्टार होटल हो,
आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, जिसके यहाँ व्यवस्था अच्छी होती है, उसके यहाँ ज़्यादा कस्टमर आते हैं। ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो प्रतिस्पर्धा में आपका व्यवसाय और आप आगे निकलेंगे। कार्य कुशलता में वृद्धि, अगर आपके यहाँ कोई व्यवसाय है, व्यवसाय में अगर प्रबंधन का काम अच्छी तरीके से हो रहा है तो कार्य कुशलता में निखार आता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगते हैं। तो याद रखिएगा, प्रबंध का महत्व आपको 5 तैयार कर लेना है। देखो 5 नंबर में जब पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, याद रखना। अब इतना तो 10 नंबर में पूछेगा नहीं, 10 नंबर में पूछेगा तो आपसे पूछेगा प्रबंध से यासे परिभाषा एवं महत्व पूछेगा, आप समझिएगा। तो आप इसको इतना तैयार कर लेंगे और आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है प्रबंध का स्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, किसी भी व्यवसाय में प्रबंध को 3 स्तरों में बांटा गया है। कोई भी व्यवसाय हो, प्रबंध को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, समझिएगा। इसके अंतर्गत संचालक मंडल, संचालक मंडल होता है जो व्यवसाय का, जो कंपनी के सबसे ऊपरी सतह पर होता है, मेन होता है ना, के सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, जनरल मैनेजर। जैसे हम देश में प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री को कौन लोग चुनते हैं, सदस्य चुनते हैं। जनता का चुनाव डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नहीं होता है अपने यहाँ, आपको पता है ना। तो जनता का चुनाव, जनता किसको चुनती है, सांसद को। तो मुख्य कौन होगा, सभी प्रधानमंत्री और सांसद ना, इनको उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाएगा। तो लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा आपको नहीं करनी है, यहाँ चर्चा करनी है मैनेजमेंट में किसका, संचालक मंडल और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके जो मेन मेन अधिकारी होते हैं, मेन मेन मंत्रालय जो होते हैं, चेयरमैन और जनरल मैनेजर टॉप लेवल पे जो आते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, अगला है मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय के बीच का होता है, जैसे जिसमें विभागाध्यक्ष होते हैं। जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, उसमें विज्ञान डिपार्टमेंट अलग होगा, हिंदी डिपार्टमेंट अलग होगा ना, इसमें विभागाध्यक्ष आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी होती है, ये अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। जैसे लेबर डिपार्टमेंट हो गया ना, और वित्त डिपार्टमेंट हो गया। बैंकों में देखिए, बैंकों में कौन कौन डिपार्टमेंट होता है, लोन डिपार्टमेंट हो गया, कैश डिपार्टमेंट हो गया, क्लर्क डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे किसी कंपनी में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आपके स्कूल में अलग अलग डिपार्ट होते हैं, कॉमर्स वाले अलग, साइंस वाले डिपार्टमेंट अलग ना, आर्ट वाले का अलग, कृषि वाले का अलग। तो ऐसे इसके जो विभागाध्यक्ष होते हैं वे संचालन का कार्य करते हैं। तो मध्य स्तरीय हो गया। निम्न स्तरीय क्या होता है, निम्न स्तरीय में कौन कौन आते हैं, याद रखिएगा, निम्न स्तरीय में लोअर लेवल मैनेजमेंट प्रबंध का सबसे निचला स्तर होता है, या स्तर के प्रबंधकों में फोरमैन सुपरवाइजर को शामिल किया जाता है। किसको, फोरमैन और सुपरवाइजर, सबसे नीचे तो लेबर ही होता है, आपको पता ही है। तो एक स्तर है। पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछता है प्रबंध के स्तर होते हैं 1, 2, 3, 4, तो आपको उत्तर क्या लिखाना है, 3। तो अभी भी इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, प्रबंध के स्तर होते हैं निम्न स्तर, लिख देगा निम्न, उच्च, मध्यम, उपरोक्त सभी। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। इसको आप अपनी कॉपी में बढ़िया से लिख लेंगे और गारंटी दे रहा हूँ आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को नोट चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9792465632 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ऐप है, अपनी वेबसाइट है, सब कुछ प्रदान किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बिजनेस स्टडी, व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित आपको बताने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो आपके पेपर में कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जरूर जाएगा।
पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कॉमर्स की सभी क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं, इंटरमीडिएट, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आपके सामने चैप्टर का नाम है व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण, समझिएगा। आपको पता होना चाहिए व्यवसाय का मतलब होता है बिजी रहना ना, लेकिन हम यहाँ मेन टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको समझाने आए हैं। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा याद कर लेना प्यारे स्टूडेंट्स, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। कहा गया है व्यावसायिक वातावरण में उन बाहरी घटकों होना चाहिए, घटकों को शामिल किया जाता है जो किसी भी व्यवसाय के लिए खतरा एवं मौसम उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत, व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। खतरा कैसे उत्पन्न करते हैं? रॉबिन्सन के अनुसार क्या है, वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं। वातावरण उन संगठनों संस्थाओं की शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। जैसे वातावरण पर, पर्यावरण पर हमारा और आपका इतना ही नियंत्रण है कि धरती पर नदियों में प्रदूषण ना हो पाए, हम लोग पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते। उसी प्रकार व्यावसायिक वातावरण में व्यवसाय पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का एक तनिक मात्र नियंत्रण हो सकता है, पूरा नियंत्रण आप नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां होती हैं राजनीतिक, मांग की पूर्ति की, विदेशी, बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं आगे। तो याद रखना, व्यावसायिक वातावरण वह होता है जो किसी भी व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिस पर हम लोग नियंत्रण बहुत कम कर सकते हैं। विशेषता है आपके सामने, विशेषता आपके नज़रों के सामने है, गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण के घटक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसे गतिशील प्रकृति का कहा जाता है। देखो, वातावरण में हमेशा बदलाव होता रहता है, बाजार में हमेशा बदलाव होता रहता है, हमारे और आपके शरीर में बदलाव होता रहता है ना, घर में बदलाव होता रहता है, हर जगह कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। गतिशील का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा बदलाव होता रहता है। अनिश्चितता, व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होता है क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रत्येक घटकों में नई नई तकनीक विकसित हो रही है। समझो, व्यवसाय में हर जगह नई नई तकनीक आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया कैमरा आ रहा है, नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ रहा है ना, तो ऐसे हैं कि अनिश्चितता है व्यवसाय में। परस्पर निर्भर, व्यावसायिक घटक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए परस्पर निर्भरता बनी रहती है, एक दूसरे पर भैया निर्भर होता है व्यावसायिक घटक। जटिलता, व्यवसाय अनेक घटकों से मिलकर बनता है, प्रत्येक घटक एक दूसरे से संबंधित होती है, इसी कारण उनमें जटिलता विद्यमान रहती है, याद रखना। सापेक्षता, सापेक्षता का मतलब क्या है, इसका संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है, यही कारण है कि विभिन्न देशों में एक ही देश के विभिन्न स्थानों का वातावरण भिन्न होता है। अगला है व्यावसायिक वातावरण का महत्व, व्यावसायिक वातावरण का महत्व मतलब क्या है, देखो व्यावसायिक वातावरण प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायक होता है। कोई भी निर्णय लेना है वातावरण देखना पड़ता है, एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। जो प्याज वाले दुकानदार हैं बड़े थोक वाले, वो देखते हैं, देखो प्याज अभी महंगी हो गई ना, तो उनको वातावरण देखना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई देखना पड़ेगा, नहीं पता लगा एक ट्रक दो ट्रक मंगा लें, पता लगा फिर सस्ता हो जाए, होता है ना, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगला क्या है, व्यावसायिक वातावरण का महत्व, कहा गया है व्यावसायिक वातावरण
प्रबंधकीय निर्णय के लिए सहायक होते हैं। इसके निम्न महत्व हैं। पहला, पहलकर्ता को लाभ। जो पहल करता है व्यावसायिक वातावरण के क्षेत्र में उसको लाभ होता है, चेतावनी देता है। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? चेतावनी देता है। चेतावनी का मतलब आपको अवगत कराता रहता है। उपयोगी संसाधनों की पूर्ति करता है। कार्य नीति का आधार होता है। निरंतर सीखना पड़ता है। निष्पादन में सुधार होता है। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस। व्यावसायिक वातावरण के अंग, वो देखो समझिए, अंग जरूरी है। आंतरिक वातावरण, आंतरिक का मतलब होता है जो व्यवसाय के अंदर की परिस्थितियां होती हैं उसको आंतरिक बोलते हैं। जैसे हमारी कोचिंग है, हमारे ऊपर कुछ निर्भर है ना, हमारे ऊपर कुछ निर्भर है, हमारे घर वालों के, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं। वाह्य का मतलब होता है जो दूसरों से संबंधित। वाह्य का मतलब होता है जो बाहरी हो। व्यावसायिक वातावरण के आयाम में आप देखिए, व्यावसायिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, अनार्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण का मतलब होता है जिनका धन से संबंधित प्रभाव पड़े उसे आर्थिक वातावरण कहते हैं। अनार्थिक का मतलब होता है जिन पर धन का कोई प्रभाव ना पड़े उन्हें अनार्थिक वातावरण कहते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 पेपर में आ सकता है भैया। नई आर्थिक नीति कब आई? 1991 में। नई आर्थिक नीति 1999 केंद्र बिंदु उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण रहा है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में उदारीकरण अगर पूछे, उदारीकरण से आशय सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों को अर्थव्यवस्था की मुक्ति करना है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? अर्थ उदारीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष, उदारीकरण का मतलब होता है सरकार बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल करती है, खुद उसके हाथ में चीज़ें रहती हैं, तो उसको थोड़ा सा ढील दे देना, उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। जैसे हॉस्पिटल दोनों है कि नहीं? सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं, तो प्राइवेट क्यों है? सरकार ने उदारीकरण दिखाया हुआ है। बस सरकारी भी चलती है, प्राइवेट भी चलती है ना, ट्रेन प्राइवेट नहीं चलती, इसमें क्या है? निजीकरण कौन सा है? इसमें सरकारीकरण है। उदारीकरण का मतलब होता है जो सरकारी भी चले और प्राइवेट भी चले, उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण से आशय सार्वजनिक स्वामित्व वाली संस्थाओं को निजी व्यक्तियों के हाथों में हस्तांतरित करने से, जैसे मोदी है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अडानी को दे दी है, इनके ऊपर आरोप लगता है और दिए भी हैं, पब्लिक जानती है। ये क्या है? निजीकरण होता है किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में दे देना, तो इसको कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की व्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। एक देश की व्यवस्था है उसको विश्व के साथ मिला देना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। नई औद्योगिक नीति क्या है? नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण करने से मुक्त कर दिया जाता है। मतलब कि इसमें होता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लाइसेंस से बाहर कर दिया जाता है ताकि बहुत से लोग व्यवसाय को खोल लें। जैसे छोटे छोटे उद्योग हो जाते हैं, कुटीर उद्योग हो जाते हैं, छोटी फैक्ट्रियां हो जाती हैं ना, जहां लाइसेंस वगैरह ज़्यादा लगता है वहां लफड़ा होता है। कहा गया है सरकारी नीति में परिवर्तन व्यवसाय प्रभाव 1991 में लागू होने के बाद इसका प्रभाव व्यवसाय पर अधिक पड़ा। चौतरफा प्रतियोगिता बढ़ने लगी, ग्राहकों की मांग बढ़ने लगी, तकनीकी वातावरण में तेज़ी से बदलने लगा, परिवर्तन की आवश्यकता बढ़ने लगी। तो इतना आप तैयार कर लेंगे, ठीक है।